नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिसमें मिलती रहती है आर्मी भर्ती की पल पल की अपडेट तथा आर्मी की जो भी पेपर लगते हैं उनका सॉल्यूशन मिलता है इस चैनल के। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी ऑन कर लो, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आर्मी की तैयारी करने वाले भाइयों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो देख सके, और प्रत्येक पेपर की तैयारी के लिए जो रिपीट होती है क्वेश्चन वो आप देख सके, ताकि आपके कोई पेपर में कन्फ्यूज ना रहे। चलो आज बिना देरी किए वीडियो शुरू करने वाला हूँ मैं। तो बात कर लेते हैं आज मैं फैजाबाद उत्तर प्रदेश सेंटर में जो पेपर लिया गया 1 दिसंबर यानी आज ही के दिन जो टीए भर्ती का पेपर हुआ है वो सॉल्यूशन के साथ मैं करवाने वाला हूँ। इस वीडियो में जीके और कुछ साइंस के क्वेश्चन है, हालांकि हमें कम क्वेश्चन मिले क्योंकि अभी आपको पता है पेपर शीघ्र ही लगा है। तो शीघ्र ही एक स्टूडेंट ने हमें प्रोवाइड किया जिनका नाम है शिवम जाट, तो शिवम जाट को धन्यवाद जिन्होंने इतनी मेहनत के जरिए हमें लिख कर पेपर भेजा, क्योंकि पेपर लगने के साथ ही सेंटर से बाहर आते ही उन्होंने ये मुझे पेपर प्रोवाइड कर दिया है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पेपर हमें कई बार लेट मिलता है लेकिन आज शीघ्र ही मिल गया। और शीघ्र ही यदि कोई और स्टूडेंट भी हमें प्रोवाइड करना चाहता है पेपर और अपना नाम वीडियो में बुलवाना चाहता है, तो इस नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमें पेपर भेज सकते हैं। तो चलो जो क्वेश्चन मेरे पास आई है वो बिना देरी शुरू करते हैं। चलो एक क्वेश्चन आया था, एक तो क्या आया था, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये आप सबको पता भी होगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का क्वेश्चन मैंने पीछे भी कई बार करवा दिया, ये उत्तराखंड में कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो प्रधानमंत्री के न्यूनतम आयु की बात करें तो आप सबको पता है 25 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, आयु सीमा होती है 25 वर्ष, से कम का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य, अगला क्वेश्चन क्या आया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आप सबको पता होगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपके, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो नर्मदा नदी है वो कहाँ से उद्गम होता है उनका, तो ये बात करें तो इसको आपको पता ही होगा, अमरकंटक की पहाड़ियाँ यानी अमरकंटक से इनका उद्गम होता है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है, लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है, आप सबको पता भी होगा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक को लाल बाल गंगाधर तिलक यानी हम कहे बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, ये सीधा कहे लोकमान्य के नाम से कौन जाना जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो साइंस का भी है। चलो अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से, मतलब यहाँ गुण की बात नहीं, कौन कौन से, मतलब यहाँ कण होते हैं, कण है ठीक है ना, गुण लिख दिया मैंने यहाँ, कण कर लो क्योंकि टाइप करते वक्त कुछ परेशानी के कारण गलती हो जाती है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कौन कौन से कण होते हैं, ऐसा था ठीक है। तो कण आपको पता है परमाणु के नाभिक के अंदर बात करें तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन का जवाब होगा ए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता या कहीं कोलकाता थी ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में से रक्त आता है। यहाँ देखो रक्त था, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई आज क्योंकि जल्दी में थोड़ा टाइप किया है। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है, तो आप सबको पता है विटामिन सी यानी बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। विटामिन सी की जो है ना उसकी कमी से मसूड़ों में क्या आता है, रक्त आता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके आया था, सोनार का क्या उपयोग है। तो आप सबको पता भी होगा सोनार का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में, सोनार का उपयोग किस में किया जाता है, समुद्र की गहराई या कहे दुश्मनों की, मतलब जल के अंदर सामने कितनी दूर है वो नापने, या इस तरह से जो भी आपके ऑप्शन में था वो करना था ठीक है। तो समुद्र की गहराई नापने में इसका उपयोग किया जाता है ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो मैंने काफ़ी बार करवा भी दिया है और काफ़ी बार आया हुआ भी है, साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछा था इस बार, कई बार पूछते हैं सूत्र और यहाँ पूछा था रासायनिक नाम। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम आपको पता है NaCl होता है यानी ये सूत्र होता है उसका, और सोडियम क्लोराइड होता है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड कौन सा है, ये सोडियम क्लोराइड, ये आपका उत्तर सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सोने का प्रतीक है, सोने का प्रतीक आप सबको पता ही है Au होता है, ओरम के नाम से जाना जाता है, जो लेटिन नाम कहे वो है ठीक है, Ag है वो चांदी का है लेकिन यहाँ सोने का पूछा है Au होगा। तो दोस्तों आज मैंने ये पेपर प्रोवाइड किया आपको टीए भर्ती का, और भी यदि आपके पास क्वेश्चन है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके भेज दो, आपका नाम भी वीडियो में लिया जाएगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा। आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें, और आगे के आपका क्या रिक्वायरमेंट है वो भी बताइए, ताकि मैं अगला वीडियो भी लेकर आऊँ। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों अपने
दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।